लोग है ना, ये लोग बहुत ही ओछी गंदी थर्ड क्लास की राजनीति करने वाले लोग हैं जो इस देश को बर्बाद कर देंगे। ये लोग कब होश आएगा लोगों को? ये कुतुब मीनार कब बना था, क्या हुआ था, ताजमहल में क्या हुआ था, लाल किला किसने बनाया, बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी थी। मैं एक बार 50 बार कहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर थी, आज तक उसका एविडेंस नहीं मिला। अब जो है ज्ञान वापी मस्जिद हो रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है, ये सब झूठ का पुलंदा है, बिल्कुल गलत बात है। आप तो ताकत है आपके पास, आप जितनी चाहे कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, लाल किले को भी तोड़ दीजिए, आप ताजमहल को भी ले लीजिए, आप सारे मुसलमानों को मार दीजिए, आप नरसंहार तो होने वाला देश में। जो पूरी दुनिया के जेनोसाइड के चेयरमैन है वो कह रहे हैं भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ चुका है, 8 पॉइंट आगे जा चुका है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट बाकी है, देश में कत्लेआम होगा। तैयार के बाद अब कुतुब मीनार जो है वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है और जो उस पे शब्द लिखे गए हैं कुतुब मीनार के अंदर फारसी में, उसका अनुवाद करने पर यही पता चलता है। कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं? देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। अगर आप देख रहे होंगे श्रीलंका में ये हुआ था कि मस्जिदों में जमात पढ़ते थे लोग तो पत्थर मारा जाता था, क्रिश्चियनों के साथ तमिल के साथ बहुत ज्यादती होती थी और ये नफरत का नतीजा ये हो गया कि आज जो है श्रीलंका बर्बाद हो गया। पानी पीने का नहीं है, स्कूलों में स्कूल बंद हो चुके हैं, इमरजेंसी लग चुकी है, मंत्रियों को नंगा करके मारा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, पेट्रोल पंप पे फौज लग गई है, पेट्रोल का दाम आसमान में चला गया है, देश कर्ज में डूब गया, बर्बाद हो गया। मैं ये जो लोग है ना, ये लोग बहुत ही ओछी गंदी थर्ड क्लास की राजनीति करने वाले लोग हैं जो इस देश को बर्बाद कर देंगे। ये लोग मैं भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ वरना फिर पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं। आज देश का आप खुलेआम देखिए ना कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में हो गई, देश का GDP गिरता जा रहा है, हर घंटे यहाँ के लोग भारतवर्ष की नेशनलिटी छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूं, तो सच्चाई है। और कौन जा रहा है? कोई सड़क पर मूंगफली बेचने वाला, टैक्सी चलाने वाला नहीं जा रहा है, जिनके पास कई 100-100 करोड़ कई से हैं, जो लोग कारपोरेट हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो इस मुल्क के पैसे लेकर दूसरे मुल्क में जाकर नेशनलिटी दे रहे हैं। कब होश आएगा लोगों को? ये कुतुब मीनार कब बना था, क्या हुआ था, ताजमहल में क्या हुआ था, लाल किला किसने बनाया था, 1947 में देश आजाद हो गया, आजादी के बाद ये देश सेकुलर है, इसमें हिंदू और मुस्लिम सबको एक तरह का वो दिया गया है। और दूसरी बात मैं बता दूं खुल करके पूरे देश की जनता को, मैं कहना चाहता हूं मेरी बात को कोई माइक अल्लाह निग्लेक्ट नहीं कर सकता। कभी भी कोई मस्जिद किसी के इबादत गाह को तोड़ करके, किसी की जमीन को दादागिरी से या पॉलिटिकल पावर मसल पावर के ताकत पर लेकर के मस्जिद बनाई गई ना, उस मस्जिद को बनाने वाले को पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। मस्जिद क्यों बनाई जाती है? भगवान खुश करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। तो जितने भी मैं ये मान सकता हूं कि कोई ऐसा गलत आदमी हो, सांप्रदायिक हो, जो किसी की मंदिर तोड़ दे, किसी की मस्जिद तोड़ दे, ये तो पॉसिबल है, लेकिन उस मंदिर की जगह पर मस्जिद बना देगा, ये ना पॉसिबल नहीं है। ये सब झूठ का एक झूठ है। ये बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी थी। मैं एक बार 50 बार कहता हूं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर थी, आज तक उसका एविडेंस नहीं मिला। अब जो है ज्ञान वापी मस्जिद हो रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है, ये सब झूठ का पुलंदा है, बिल्कुल गलत बात है। ये अभी अब पावर है आपके पास, मेजोरिटी है, कोर्ट कचहरी सब आपके पास है, आप किसी कोई आपके खिलाफ कोई बात करेगा तो आप उसको कोई लड़की के केस में फंसा देंगे, कहीं उसको ईडी और इनकम से फंसा देंगे, तो डर के मारे जजमेंट आपके फेवर भी आ रहा है, तो जो चाहे कर लीजिए। आप ताकत है आपके पास, आप जितनी चाहे कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, लाल किले को भी तोड़ दीजिए, आप ताजमहल को भी ले लीजिए, आप सारे मुसलमानों को मार दीजिए, आप नरसंहार तो होने वाला देश में। जो पूरी दुनिया के जेनोसाइड के चेयरमैन है वो कह रहे हैं भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ चुका है, 8 पॉइंट आगे जा चुका है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट बाकी है, देश में कत्लेआम होगा। तैयार